भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आपने कभी सोचा था कि भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन भारत पर 200 वर्षों तक राज करने वाले ब्रिटिश को पीछे छोड़ भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 2024 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, भारत 2 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये सब कुछ बदल चुका है और अब हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, आपको कभी अंदाजा था क्या कि भारत पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कभी सोचा था क्या? लेकिन आज आप कह सकते हैं कि 10 साल में हम 11वें पोजीशन से, 11वें स्थान से उठकर जापान, ब्रिटेन जैसे देश, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़ कर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों, आप 2024 में 4 जून को फिर से वीरेंद्र जी को भेजेंगे, हम 400 पार परख करेंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत 2 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसको भी हमको याद है। आज हम ऑटोमोबाइल में 7वें नंबर से छलांग लगा के 3रे नंबर पर आ गए। हमने जापान को पछाड़ दिया। जापान जिसकी डैटसन, टोयोटा गाड़ियां सारे दुनिया में मशहूर थी, आज भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में 3रे नंबर पर खड़ा है। आज दवाइयों में भारत दुनिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला 2रे